तो आइए हम मिलवाते हैं एक और शख्सियत से, खूबसूरत एक्टर सोनू पांडे। सभी को नमस्कार प्रणाम, मैं सोनू पांडे आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। जी बताएं भैया, आज एकदम पूरा ग्लोरी जी भी इंस्पेक्टर बने, आप भी इंस्पेक्टर बने, क्या है ये वध, किस सीन में ये वध रोकने वाले हैं या वध करने वाले हैं आप लोग? एक्चुअली हमेशा से मैं फिल्मों में वध करते आया हूं, बट ये फिल्म में मैं वध को रोक रहा हूं। मतलब पॉजिटिव पुलिस वाला है हम लोग, क्योंकि हमारे सीनियर इसमें ग्लोरी मोहंता जी हैं, इंस्पेक्टर हैं, और मैं इनका एएसआई टाइप का जो भी है, अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव, मतलब इस बार किरदार में मेरा पॉजिटिव है। तो फिल्म अच्छी बन रही है, देख रहे हैं सब, अभी फाइट्स गोइंग चल रहा है, सब मन लगा काम कर रहे हैं, और इसमें ग्लोरी इनके लिए भी काफ़ी अच्छा, इनका भी किरदार है पॉजिटिव में जैसा चाहती हैं, तो काफ़ी कमाल की एक्ट्रेस है ग्लोरी मोहंता जी। हमेशा आपने इनको आइटम के रूप में देखा होगा, बट इनके अंदर जो छुपा एक कलाकार था वो को अब देखने को मिलेगा। इनकी देखिए फिल्म गुलाबू आ रही है, उसमें हीरोइन इन्होंने काम किया है, बहुत सारी फिल्में हैं, इनकी तारीफ में नहीं कर रहा हूँ, बट सी डिजर्व इट, ये बेस्ट परफॉर्मर। आप क्या कर रहे हैं इस पूरी फिल्म में? इस फिल्म में पॉजिटिव भूमिका है कि पुलिस वाले जूनियर का काम कर रहे हैं, जूनियर का ये हमारी, मैंने कहा ये हमारी, मैं जहाँ जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। यस सर, नो सर, यस बॉस, जो होते हैं। डायरेक्टर में भी अच्छे हैं, मैं इनके साथ पहली फिल्म कर रहा हूँ, ये मेरी इनके साथ पहली फिल्म है, बट अच्छे हैं, सब लोग मन लगा काम कर रहे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, कहानी में पढ़ा हूँ, और कास्टिंग भी अच्छी है, विराज जी हैं, विराज जी पुराने हीरो हैं, उनके साथ मैं बहुत सारा काम दो तीन फिल्में किया हूँ, और सोलंकी भैया है, भी पुराने चावल हैं इंडस्ट्री के, और उधर हमारे भाई साहब हैं, वो बासमती चावल है हमारे, बासमती चावल। तो मेरा इन्हों बहुत प्यारी है, सब हम लोग आपस में बहुत मजे करते हैं, मजा आता है, बस सब अच्छा है, बाद में की सब आपको मालूम है, आप खुद तारीफ नहीं करेंगे रक्षा। एक्चुअली हीरोइन से मैं मिला नहीं हूँ, इनकी नजरों से बच गए, मैं मिला नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि पता नहीं उसको लगता है कि हीरोइन है तो ठीक है, मैं भी तो खलना है। नहीं 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 नहीं, हम लोग का सीन साथ में नहीं हुआ, गलत बात, हम लोग का सीन साथ में नहीं हुआ, तो इंटरेक्शन नहीं हुआ, दूसरे एक्चुअली ये दूसरी हीरोइन से मिलकर बाहर आ गए हैं, और क्या मिलेगी तभी तो बात करेगी ना। मोहंता ने किया सोनू पांडे के बारे में, क्या होता है ना इंडस्ट्री में, सबसे बदनाम विलेन होते हैं इंडस्ट्री में, कहने के तो इंडस्ट्री में सबसे पुलिस वाले हैं, नहीं हूँ यहाँ पे, नहीं हूँ बट हूँ तो विलेन है, हूँ तो मैं नेगेटिव करता हूँ ना, पूरी इंडस्ट्री में सबसे खिलाफ करता है, कैरेक्टर नहीं छोड़ता हूँ, बट मैं तो करता हूँ, बट अच्छा है माहौल यहाँ का, सब लोग अच्छे हैं, बड़े प्यार से हम लोग रहते हैं, वो प्यार है किसी और की, उसे चाहता कोई और है। अच्छा क्या है? सबसे अंत में सोम जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने अच्छे वो राइटर हैं मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, राइटर के साथ, क्योंकि उनके बताने का एक तरीका जो होता है ना, ये आम निर्देशकों में नहीं दिखता है, आए दिन हम काम करते रहते हैं, डिटेल्स बताते हैं सर बिल्कुल, और एकदम एज ए एक्ट कर करके, अगर आप नहीं एक्ट कर पा रहे हो तो वहाँ तक जा करके ऐसे ऐसे वो खुद परफॉर्म करके बताते हैं, तो ये उनके साथ काम करते कर मजा आया कि चलो एक्टर डायरेक्टर और राइटर, एक नया उभरता हुआ, जो आज के डेट में ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, अब पुराने लोग हैं भी नहीं, और इनकी कहानी का तो पूछिए मत, मस्त कहानी, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी कहानी, वो अच्छे कभी अच्छे एक्टर थे नो डाउट, अभी डायरेक्टर हो गए हैं, तो उनको एक तरीका मालूम है कि एक्टर को कैसे समझा सकते हैं, बस बस बस, कैसे फील डाल सकते हैं, है ना, बाद में रामचंद्र भाई खुद समझदार व्यक्ति, आपको क्या बताना, आप तो भाई हैं। चलिए इन शॉर्ट यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत तारीफ कर लिया, आप वेट कीजिए इस फिल्म को कम्प्लीट होने के बाद, प्लीज देखिए, प्यार दीजिए इसे, ये थिएटर में आने के बाद अपना प्यार दीजिएगा इसको, भर के ढेर सारा कुछ नहीं 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 पूछेंगे, बस हो गया, इस बार इन्होंने बंद कर दिया, नया इंटरव्यू लिया है। जी सुनो जी, बताए और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं? भाई बूम इधर करो मेरे साथ। अभी मैं बता दूं, अभी मेरी 23 फिल्में रिलीज पे है, 23 फिल्में रिलीज पे हैं, बिल्कुल, और अभी सबके साथ तो वही है, हाँ रिलीज पे है, अभी मेरी लास्ट फिल्म रिलीज हुई थी टीवी पे सरफरोश, उससे पहले रिलीज हुई थी सैयारक वीरना, दोनों में मैं ही मेन विलेन था दोनों में, अभी मेरी फिल्म आने वाली है, मैं बता दूँ बहुत अच्छी फिल्म है, खूबसूरत फिल्म है, एक फिल्म है भागवत गीता, दूसरी फिल्म गुलाबो, ऐसे लालटेन, बेगुना, उसके बाद में अभी याद करना पड़ता है, इतनी भी महीने में दो तीन फिल्में हो जाती हैं, तो बहुत प्यार का है बना रहा आपने,
दुरही ले आए बलिया से, क्या बोलते हैं उसको, स्वामी जी आई लव यू, इस तरह बहुत सारी फिल्में हैं अभी तो याद करना, रिकॉल करना पड़ता है कि मैंने कितना कितना काम किया हूँ अपने फैन से क्या कहना। हाँ, बट मैं फैन से यही कहना चाहूँगी कि भाई सभी से, सभी मेरे दर्शक से एक रिक्वेस्ट है कि अब हमारा अभी कोरोना का जो संकट था अभी भी है, बट उसके उस बीच में सारे सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल खुल चुके हैं। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाइए और सिनेमा देखिए, चाहे पिक्चर कोई हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, कोई भी, पर पिक्चर देखिए। आप लोग हॉल में जाएंगे तभी हमारा सिनेमा बचेगा, हमारा सिनेमा बचेगा, सिनेमा आप लोग, आप लोग हैं तभी हम लोग हैं, आप लोग देखेंगे तभी हम लोग शूटिंग करते हैं, एक्ट करते हैं, तो सब हम लोग आपके लिए करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सिनेमा घर में जाइए और सिनेमा को देखिए, चाहे किसी का भी सिनेमा हो। हाँ, एक और, आप सभी ने अभी, हालांकि आप देखते भी हैं क्योंकि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से भी एक बहुत अच्छी फिल्म अभी बिहार में अभी रिलीज हुई थी, लिट्टी चोखा, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी अभी चल भी रही है, तो आप लोग, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसके डायरेक्टर पराग पाटिल जी, खेसारे जी हैं, काजल अगवानी जी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रदीप भैया इसके प्रोड्यूसर हैं, तो आप लोग इसको भी देखिए और जो भी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है सबको देखिए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका सोनू पांडे, लव यू, जय बिहार, जय जय बिहार, जय महाराष्ट्र, जय यूपी। मैं संजू सोलंकी, एक्टर, हम आज भदोही के इस गांव में आए हुए हैं जहां हमारे, हमारा क्लाइमेक्स चल रहा है फिल्म का। फिल्म का टाइटल है बध। स्टार कास्ट हैं विराज भट्ट और रक्षा गुप्ता और शानदार निर्देशक सोम भूषण जी, बाकी तमाम बेहतरीन कलाकारों का इन्होंने जमावड़ा किया है, जिसमें एक कलाकार आपका भाई भी, और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, डांसर कह सकते हैं, ग्लोरी मोहंता भी इस फिल्म में है, जिन्होंने इस फिल्म में एक अलग सिंघम टाइप का कैरेक्टर किया है। बाकी पूरी यूनिट बहुत अच्छी है, इतने परेशानियों के बाद भी अच्छी फिल्म बन रही है, बेहतर है। बाकी निर्माता फिलहाल उनको नहीं जान पा रहा हूँ, आइए मिलते हैं ग्लोरी मोहंता से। जी ग्लोरी जी, क्या करना? अच्छा। कहाँ चल गए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता, और क्या बोलूँ मैं, एकदम सिंघम अवतार आपको बोला गया, तो लेडीज सिंघम बनी हुई है, 3 स्टार लगा हुआ है जी, तो जी करामात दिखाने वाली है इस फिल्म में आप। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से बोलती आ रही थी कि मैं कुछ नया कर रही हूँ। बेसिकली अभी आइटम सॉन्ग तो ख़त्म हो ही चुका है, तो अभी मैंने कैरेक्टर्स पकड़ना स्टार्ट किया है। तो इससे पहले जो फिल्म किया था उसमें मैंने मदर का कैरेक्टर किया था, इसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रही हूँ, और ये जो कैरेक्टर है ये विलन से त्रस्त है, उसके अत्याचारों से त्रस्त है, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर पाती है इस पोस्ट में होते हुए भी। बट जो हमारी हीरोइन है वो ये सब बर्दाश्त नहीं करती और वो फाइट बैक करती है विलन के साथ। तो बेसिकली दिस फिल्म इज़ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, और मुझे मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा। इस किरदार में डायरेक्टर सर ने सोचा कि जब ग्लोरी मोहंता है तो तड़का भी डाल देते, तो इसमें आइटम सॉन्ग भी प्लस हो गया। फिर पता चला कि मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो हीरोइन का एक देवी गीत है जिसमें पूरे फैमिली हैं, तो उसमें भी मुझे डाल दिया गया, उसमें भी मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ। लेकिन आई होप कि ये सब चीज़ें मार्केट में आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि आई एम अ गुड एक्ट्रेस, आई एम अ गुड परफॉर्मर, एंड आई जस्ट होप कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, जैसे सर लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बाकी जो को आर्टिस्ट है वो लोग सपोर्ट करें, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। भैया, आप क्या रोल कर रहे हैं इस फिल्म में? मैं इस फिल्म में हीरोइन जो रक्षा जी हैं उनके मामा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि बहुत प्यार करता है अपनी भांजी से, बिल्कुल बाप की तरह। हालांकि उस मामा की जो पत्नी है वो थोड़ी सी तिरछी हैं, लेकिन मामा की वजह से वो मामा के प्यार दुलार के तहत चलता रहता है ये कहानी, और लास्ट में फिर वो नेगेटिव सेट से बदला लेती है। ग्लोरी के लिए इतना ही कहूँगा कि इन्होंने अपने उस इमेज को तोड़ करके एक शानदार एक्ट करने का इसमें प्रयास किया, जिसमें खरी भी उतनी, आप देख सकते हैं कि क्या वर्दी जच रही है, माशाल्लाह एकदम। और बाकी तो परफॉर्मर हैं ही, वन टेक आर्टिस्ट, इनको क्या कहा जा सकता है। आइए राज शुक्ला जी,
आप हमारे एक और कलाकार बहुत सीनियर बहुत पुराने राज शुक्ला जी, इतना भी पुराना, अरे आइए, स्वागत है आपका चैनल में। सबसे पहले भोजपुरी के सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों को बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, अपना प्यार और आशीर्वाद ढेर सारा दें क्योंकि मुझे जरूरत है। जैसा कभी ग्लोरी जी ने बताया कि हमारे डायरेक्टर सोम जी की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि वो लोगों के अंदर से गुण निचोड़ते हैं। उनको जैसे जैसे ग्लोरी जी के बारे में पता चला कि आर्टिस्ट हैं तो इंस्पेक्टर बना दो, अरे आइटम भी करते, एक आइटम भी रख दो पता, अरे बाप रे तो कत्तर भी करते, बोले तांडव भी करवाओ इनसे। तो वैसे इस नाचीज के ऊपर उनकी नज़र पड़ी तो मुझे बोले कि भैया इसमें एक मैनेजर का कैरेक्टर जो विलन का मैनेजर है और बड़ा शातिर है, जो मतलब मौका देख के खिसक लेता है, जब सब सही हो जाता है तो हाजिर हो जाता है। तो ये किरदार उन्होंने मुझे सौंपा और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस किरदार के लिए उन्होंने मुझे समझा और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके उस भरोसे को कायम रख सकूँ और वो परफॉर्म दे सकूँ। बाकी आप लोग पिक्चर रिलीज होने के बाद ये तय कीजिए कि मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं। हर हर महादेव। आपसे एक खास आर्टिस्ट का तारुक करवाऊंगा मैं, जो कि हमारे सिनेमा दुनिया में थिएटर से उनका आगमन हुआ है और थिएटर आर्टिस्ट तो ऐसे ही सौ पर एक के बराबर होते हैं, होते हैं और शिवानी की चाहती है, और ये हमारी पगलिया, ये इस फिल्म में पागल लड़की का कैरेक्टर कर रही जो कि उसी समाज की ही देन है और इसने इतनी बाखूबी निभाया है इस कैरेक्टर को कि पूरा गांव इनको पागल कह रहा है, ठीक है, इन पूरा गांव पागल कहता है। और बाकी थोड़ा सा है ही नहीं, नहीं उस उस रोल में नहीं, वो नहीं। आप सब इनके हमार बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, हमारा नाम शिवानी है और सर लोग मैडम लोग सब लोग इनके हम बहुत लाडली हैं। फिल्म में तो पगली है बानी है। शिवानी हम बानी। शिवानी ही बानी। हम पागल बानी। हम एकदम रियल वाली हाँ। तो नमस्कार, प्रणाम सबने लोगन के, हमारा नाम शिवानी हुए और हमें फिल्म में पागल के किरदार करत है और बस सोम सर के तस तारीफ रवा सुन ले बानी कि वो पारखी नजर के उनका उन पर भोलेनाथ के पारखी नजर देले बाड़े भोलेनाथ जी, तो वो क्या करते हैं ना, वो लोगों को पकड़ लेते हैं कि इनको क्या कैरेक्टर देना चाहिए, इन पर क्या सूट करता है। तो बस सर ने मुझे देखा और फिर मुझे बुलाया कि आ जाओ शिवानी, तुम्हारे लायक एक कैरेक्टर आया है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो उन्होंने बुलाया और अब वो तो रिलीज के बाद पता चलेगा कि आप लोगों का कितना प्यार मुझे मिलता है, आप लोगों का कितना आशीर्वाद वैसे मुझे मिलता है, बाकी भोलेनाथ है। तो सोम सर की इतनी तारीफ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सोम भूषण जी, एज ए डायरेक्टर राइटर और एक ह्यूमन बीइंग? एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत फैंटास्टिक इंसान है और एज अ डायरेक्टर तो सर हम सभी लोगों को उन्होंने चांस दिया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे डायरेक्टर है और ना सिर्फ वो एज अ डायरेक्टर समझाते हैं, एज अ पर्सन हमसे आके पर्सनली बात करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो, सीन देने में कोई दिक्कत हो या कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा है, वो डायरेक्ट आके पूछते हैं, बोलते हैं मुझसे कि शिवानी तू आके मुझसे पूछ, क्योंकि तू जितना पूछेगी उतना ज़्यादा तुझे डिटेल पता चलेगा और उतने ही अच्छे से तू परफॉर्म कर पाएगी। तो वो डायरेक्टर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, बट उन सबसे ज़्यादा वो मेरे एक अच्छे गुरु हैं। अब ये बोला जाएगा कि जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, जब फिल्म रिलीज होगा ये आप डिसाइड कीजिए कि वो डायरेक्शन में कैसे हैं, बिकॉज हम लोग तो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, तो बाकी आप डिसाइड करेंगे। बात कर रहे हैं फिल्म के प्रोड्यूसर साहब जो पैसा खर्च कर रहे हैं फिल्म बनाने का, पूरी टीम इकट्ठा किया, क्या कहना चाहेंगे? अरे मुझे तो पैसा तो डायरेक्टर सर ही दे रहे हैं, पता नहीं, नहीं नहीं सॉरी, हम उनसे मिले हैं, सर बहुत अच्छे हैं, पहली बात तो ही इज वेरी प्रैक्टिकल, यस हां एंड वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेट करते हैं हम लोगों के साथ, इवन हम लोगों को पर्सनली बोल रखा है सर ने कि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल निसंकोच बता सकती हैं। ये तो खैर हर प्रोड्यूसर करते ही हैं, इम्पॉर्टेंट है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं, स्पेशली मैं, अगर मैंने एक अपना टैग हटाया है आइटम डांसर का और हटा के मैं वर्दी में हूँ, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना इंडस्ट्री में सबके बस की बात नहीं है। ये कैरेक्टर में ग्लोरी मोहनता को लेके आना सबके बस की बात है ही नहीं,
तो मैं प्रोड्यूसर सर को थैंक यू बोलूँगी, डायरेक्टर सर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ये एहसान मेरे ऊपर किया कि मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी दिया और मेरे परफॉर्मेंस दिखाने के प्लेटफॉर्म दिया मुझे। फिल्म के हीरो हीरोइन के बारे में क्या कहना है? अरे हीरो तो राजू है, हीरो तो मस्त है, बहुत अच्छी पूरी टीम, बहुत अच्छी टीम है, बहुत मजा आ रहा है हमें काम करने में। बाकी आप हमें बताएंगे कि आपको इस फिल्म को देखकर कितना मजा आया। हमारी हीरोइन न्यू है बट शी इज़ वेरी प्रीटी, बहुत इनोसेंट है और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी डांसर है। ऑफकोर्स मैं यहाँ हूँ तो मैं उतना तो बोल ही सकती हूँ कि कौन कैसा परफॉर्मर है, तो वो बहुत अच्छी डांसर है और शी इज़ वेरी गुड ह्यूमन बींग। और हम लोग को ऐसा फील नहीं होता कि हम हीरोइन के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग को उतना वो अंडरस्टैंडिंग करती है जैसे बड़े छोटे। अब ये बोलेगा तो मैं कैसे बोलूँ ये भी तारीफ ही कर रहा है, ये भी तारीफ कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी हैं ही। और विराज सर के साथ तो मेरा स्टार्टिंग जब मैं आई थी तब मैंने उनके साथ काम किया था, ही इज़ वेरी स्वीट। उनमें वो चीज़ है ही नहीं जो बाकी सुपरस्टार लोग का प्रॉब्लम होता है, वो उनमें नहीं है, टैंट्रम्स नहीं है। ही इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी डाउन टू अर्थ। आज के डेट में आइए सुनो जी, आइए आइए अरे आइए भाई। रक्षा जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैम बात कर रहे हैं आप आज कहाँ पे हैं, कौन से मूवी शूटिंग कर रहे हैं, गेटअप काफ़ी डिफरेंट है क्या? हाँ सबसे पहले गेटअप की बात करूँ तो गेटअप बहुत डिफरेंट है क्योंकि हमारे फिल्म का थीम बहुत अलग है और ये शूटिंग हो रही है भदोही में और राइट जगह पे। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है हमारा, ये फिल्म जो है वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर है सोम सर। तो मैं बताऊँ आपको कि ये फिल्म मेरे लिए सबसे अलग है क्योंकि मैं पहली बार फाइट कर रही हूँ, मैं लाइफ में ही पहली बार फाइट कर रही हूँ, मैंने इससे पहले फ़ाइट सीखा भी नहीं था। लेकिन अभी सर ने बोला, सोम सर ने कि करना है, तो मैंने कहा सर आप कराने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ, मैं रेडी हूँ और अभी कर रही हूँ मैं। और आज हम लोग अपना क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, आप देखेंगे मेरे को चोट भी लगी है हम करते करते, लेकिन ये सब परे है और अपना काम इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का। और हम लोग जो जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। अगर जो फिल्म जैसे देखी जाती है नॉर्मली जो फिल्म बनती है उसमें ज़्यादातर हीरो को दिखाया जाता है, मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हीरो नहीं दिखाया जाए, हीरो को दिखाइए लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंस आप हीरोइंस को भी दीजिए। लेकिन इस फिल्म में क्या है, दोनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इस फिल्म का एक मोटिव ये है कि हमें एक जो नारी शक्ति होती है उसे दिखाना है। जैसे आपको पता ही है दुर्गा माता ने भी अपनी शक्ति पहचानी, जब तीनों माता ने शक्ति मिलाई तो एक शक्ति बनी, वैसे यहाँ पे भी सब लोगों ने अपनी शक्ति मिलाई है तब जाके ये फिल्म बन पा रही है। और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो आप सबका आशीर्वाद का बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सब ने सबको इतना प्यार दिया है। तो मैं तो आपके घर से हूँ, मैं आपके गाँव से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे इतना ही प्यार दें ताकि मैं और एनर्जी के साथ, इसे मैं 100% दे रही हूँ तो 200% दे के अच्छे से काम करूँ। फिल्म में किरदार की बात की जाए, फिल्म डायरेक्टर साहब जो है सोम भूषण जी, उनके डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना अलग किरदार डिजाइन किया उन्होंने आपका? कितना अलग नहीं, बहुत अलग है, एकदम ही अलग है, मैंने आज तक ऐसा कभी किया ही नहीं है। जो ये सर ने मुझे दिया है, सोम सर ने, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अलग करेक्टर दिया, उन्होंने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए दिया जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि शायद मुझे ऐसा करेक्टर मिलेगा। फाइट सीक्वेंस, अब पूरी फिल्म में फ़ाइट करना इट्स अ वेरी बिग, मतलब भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं फिल्म में फ़ाइट कर रही हूँ। तो सबसे पहले सर को थैंक यू करना चाहूँगी और जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है शिवम सर और शिवम बर्नवाल जी और अभिषेक जी, इन दोनों को भी थैंक यू कि उन दोनों ने ऐसी फिल्म बनाने की सोची जिसमें लड़कियों को दिखाया जा रहा है, जिसमें औरतों को दिखाया जा रहा है। और ये करेक्टर के बारे में बताऊँ तो एक ऐसी लड़की है गाँव की जो बहुत चुलबुली सी है और माता के भक्त है, वो ऐसी भक्त है कि माता मतलब जो है सब माता ही है और कुछ नहीं है दुनिया में। तो उसी हिसाब से माता का आशीर्वाद उस पर इतना ज़्यादा है कि अगर महिषासुर भी आ जाए तो उसके आगे वो कुछ नहीं है। तो ये फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो पहली बार आप फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कर रही हैं और मतलब कह सकते हैं हीरोइन नहीं आप हीरो हैं। देखिए हीरोइन और हीरो होना एक ये है कि एक तो मेल एक फीमेल करेक्टर होते हैं, एक आदमी है एक औरत है। इस फिल्म को दिखाने के लिए हमारा मेन मोटिव है कि हम जो लड़कियां हैं, जो औरत है, जो घर में काम करती हैं औरतें, वो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करती, वो पूरा घर संभालती हैं, उनके बारे में ही है कि यार वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक लड़की बहुत मेहनत करती है अपनी लाइफ में। और उनको हम दिखाना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि वो लोग घर में रहते तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत काम करते हैं, उनकी मेहनत को हम लोग दिखाना चाहते हैं। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जो आप कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पहली बार इस तरह से फिल्म कर रही है या आपके ऊपर पूरी फिल्म है जी?
सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे ऊपर पूरी फिल्म में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पे, मैं जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली है मैंने, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि अच्छे से करूँ। आप सब लोग अपना आशीर्वाद प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबको अपना आशीर्वाद देना है और प्यार देना है इस फिल्म को। इस फिल्म का तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाएगा जब तक आप अपना प्यार नहीं देंगे। तो बाद में जो फिल्म के हीरो हैं विराट भट्टी पाल के हैं और भोजपुरी में उन्होंने कह सकते हैं कि एक दशक से ज़्यादा काम किया, एक्शन किंग की उनकी इमेज रही है और उनके साथ इतने बड़े स्टार के साथ आप काम करने का कहना चाहेंगे? देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका एक्शन हीरो एक तरीके से नाम था, अभी तो बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन वो एक टाइम पे हमारे फिल्म हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा एक्शन कोई करता ही नहीं था जैसा वो करते थे। उनके साथ एक्शन करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि सर एक्शन किंग है, मैंने एक्शन कभी किया नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और सर के साथ काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मतलब इतने कूल रह के और इतना समझाते हैं, एक्टर से ज़्यादा वो मुझे ज़्यादा होता नहीं, कुछ छोटा होता है घर में तो उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो सब है। और सर के साथ काम करके मैंने सोचा था शायद इतने बड़े हैं तो पता नहीं कैसे बिहेव करूँगी या फिर कैसा होगा, कहीं वो ये ना लगे उनको कि मैं इतना बड़ा एक्शन हूँ करता हूँ और ये तो करती नहीं है तो इससे होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा रहता है कि नहीं यार तुम कर लोगे, तुम अच्छा कर रहे हो। अब आपके डायरेक्टर साहब के सोम भूषण जी की बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली वो लायक भी है तारीफ के, बताऊँ तो आपको इतनी, पहली बात तो ऐसी फिल्म बनाने का रिस्क कोई लेता नहीं है। मैं डायरेक्टर एक्टर और प्रोड्यूसर को मैं थैंक यू कहूँगी और उन लोगों को मैं सराहूँगी कि उन लोगों ने ये रिस्क लेने की कोशिश की है, कोई लेता नहीं है सर, आप खुद जानते हैं। मेरे ख्याल से रानी जी के बाद ये फिल्म बनने वाली है कि जो सिर्फ औरत के ऊपर बनने वाली है, रानी जी के बाद यही फिल्म होगी, इससे पहले अब बीच में कोई फिल्म बनाई ही नहीं गई है, तो ये रिस्क भी है हमारे लिए और ये रिस्क हमने सिर्फ आप लोगों के ऊपर जाके लिया है कि आप लोग इसे प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे। ये फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये फिल्म की शूटिंग चल रही है भदोही में, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म हम सब आपके लिए बना रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ मैं, चोटें लग रही हैं, मैं गिर रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, ये सब तभी सफल हो पाएगा जब तक आप अपना प्यार देंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए। मंगल सूत्र और सिंदूर, तो क्या रक्षा गुप्ता ने शादी कर ली? नहीं 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 नहीं, मैं तो मैंने शादी की भी नहीं है, मुझे करनी भी नहीं है शादी ये मेरा करेक्टर है इस फिल्म का, ये जो वध फिल्म है उसका ये करेक्टर है, तो ये उसके लिए मैंने पहना हुआ है, मैंने शादी नहीं की है यार वध करने वाली है, वध करने से बचाने वाली है? मैं वध करने वाली हूँ, खुलासा कर दिया आपने, सस्पेंस रखेंगे? मैं वध करने वाली हूँ, लेकिन क्या किसका कैसे क्या है ये सब आपको देख के पता चलेगा। और कौन कौन फिल्में दर्शकों के लिए आप लेके आने वाली हैं? अब मेरी देखिए बहुत सारी फिल्में लॉकडाउन में बनी है, तो अब धीरे धीरे ही सारी फिल्में रिलीज होंगी, जैसे अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई थी कमांडो अर्जुन, इसके बाद मेरी फिल्म अभी जो मैं करके आई हूँ जस्ट रिसेंटली खेसारी सर के साथ अपराधी, वो भी आने वाली है, उसमें भी मेरा बहुत अलग करेक्टर था, तो मेरे लिए ना सारे जितने भी करेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है एक से, मतलब जैसे कि मैं कुछ करके आती हूँ तो एकदम ही अपोजिट मुझे मिलता है, तो ये भी मेरे लिए अच्छा है कि मैं अलग अलग करेक्टर्स दिखा पा रही हूँ पब्लिक को। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? फैंस और ऑडियंस यार, आप सबने मुझे नच बलिए में भी उतना ही प्यार दिया था, उसके बाद भी आपने उतना ही प्यार दिया, अब मेरे गाने को भी आपने उतना ही प्यार दिया, तो जितना प्यार आप सब आशीर्वाद इतना प्यार देते आए ऐसे ही इसे बरकरार रखिए ताकि हमारी ये फिल्म जो हम बना रहे हैं वो सफल हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा सैनी है और मैं ये मूवी से डेब्यू कर रही हूँ और ये मेरी पहली भोजपुरी मूवी है। एक्चुअली मैं ये मूवी में एक सॉन्ग के लिए आई थी, बट सोम सर जो ये मूवी के डायरेक्टर है उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने मुझे इस मूवी में कैरेक्टर भी करने का मौका दिया, चांस दिया मुझे, और मुझे आगे की स्टोरी तो मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है ये मूवी बहुत अच्छी है, बेस्ट है, तो आप वेट एंड वॉच, सब लोग देखिए आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। क्या कहने फिल्म के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिर शूटिंग चल रही है? सॉरी, फिल्म के डायरेक्टर साहब बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस फिल्म के डायरेक्टर सोम भूषण सर बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मैं तो इस मूवी में फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रही हूँ, मेरे लिए सब नया है और वो बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब सभी के लिए, सबको बहुत सपोर्टिव है, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। प्रोड्यूसर साहब बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर सर भी बहुत अच्छे, वेरी कोऑपरेटिव, सबको बहुत हेल्पफुल है।
इसके पहले और क्या वर्क किया है? इसके पहले मैंने मराठी मूवी किया है, मराठी मूवी एंड मराठी सीरियल से मैंने, और मॉडलिंग फील्ड से हूँ मैं बेसिकली, एंड दिस इज माय फर्स्ट डेब्यू मूवी भोजपुरी। भोजपुरी आप पहली बार कर रही हैं, यहाँ का शूटिंग का माहौल कैसा लग रहा है, लोग कैसे लग रहे हैं? सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और खास करके भोजपुरी लैंग्वेज तो बहुत प्यारी है। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ यूपी में, बनारस में, और बनारस में यहाँ पे भदोही गाँव है जहाँ पे हमारी शूटिंग चालू है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ पे शूट करके बहुत अच्छा लगा। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहिए? फ्रेंड्स और ऑडियंस से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप देखिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि रुआ लोग हमने के ये तरह से प्रोत्साहन दे भी ले जाए। जी पूछिए। गंगा का किनारा है, देवस्थान है और यहाँ पर शूटिंग करना है, क्या कहना चाहिए? गंगा का किनारा है और उसके साथ स्वयंभू मंदिर है, इसको काशी गंगा कहते हैं। और ये ऐसे तो है तो शिव का स्थान, मगर ये फिल्म हम बना रहे हैं ये शक्ति के ऊपर, माँ दुर्गा के ऊपर। जैसा कि फिल्म का शीर्षक है हमारा वध, कहानी जो है पूरी तरह से ये महिला समाज को, महिला प्रधान कह दीजिए हमारी ये कहानी है। और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से हमारी फिल्म की जो हीरोइन है जिसका नाम है दुर्गा, वो महिष नामा जो राक्षस है, वीरन कह लीजिए, खलनायक कह लीजिए, उसका वध कर एक ऐसा गांव जिसके ऊपर ठाकुर साहब हों, राजनीतिक सत्ता का एक पैठ जिसके लिए पूरा गांव एक ऐसे पुरुष की परिकल्पना करता है, शिव की परिकल्पना करता है कि वो आएगा और इससे इस उसके अत्याचार से लोगों को मुक्त करेगा, मगर ऐसा होता नहीं। यहाँ शिव के आने के बाद भी शक्ति को प्रकट होना है, और जो शक्ति इसी गांव की है उसे अपना बल, उसे अपना अस्तित्व पता लगता है, और वो अपनी शक्ति से उस राक्षस, उस महिष का वध करती है। यही हमारा फिल्म वध है। फिल्म के हीरो प्रताप भट्टी हैं जो कई साल, मतलब 10 साल से ज़्यादा होते हैं, 1 दशक से ज़्यादा बहुत कुछ में काम कर रहे हैं, एक बड़ा स्टार लेवल लगा हुआ है, स्टारडम उनका। क्या कहना चाहेंगे उनको, वापस जो है नेपाल से खींच के लाए हैं, चले गए थे? ऐसा नहीं है कि उनको वापस खींच के लाए हैं और वो छोड़ के चले गए थे। एक थोड़ा समय अंतराल था, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। इसके इस समय अंतराल में उन्होंने नेपाली बहुत अच्छी फिल्में की, सांगलो किया, जय परशुराम किया उन्होंने, और भोजपुरी का एक अलग ही, एक अलग तरह की फिल्में बन रही हैं, कॉन्सेप्चुअल बन रही हैं, यानी कि विषय प्रधान अभी उसकी कथा वस्तु हो रही है हमारे फिल्म की कहानियों में। और अच्छा अच्छा लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहानी को, तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, और अभी लव स्टोरी फैमिली ड्रामा के बीच में एक्शन लेके आ रहा हूँ। वैसे में मेरे कहानी का जो किरदार था, जो पुरुष किरदार था, वो विराज भट्ट के अलावा मुझे नहीं लगा कि कोई और उस तरह का एक्शन कर पाएगा, कोई उस तरह का इमोशन दे पाएगा, या कोई उस तरह का प्रेजेंटेशन दे पाएगा। फिर हमने विराज जी से बात किया, हमने कहा कि सर ये कहानी है, कहानी हमने उनको सुनाई, उनको बेहद पसंद आई, और वो एक झटके में तैयार हो, बोले नहीं मैं ये फिल्म करूँगा। खैर इस फिल्म के लिए दावेदार कई लोग थे, बट मेरी कहानी जो है वो पुरुष के लिए विराज भट्ट को किया। और एक कहानी तो देख मूलतः मैंने एक स्त्री को देख के लिखे थे कि एक ऐसी औरत जिसके अंदर शक्ति के सारे रूप होने चाहिए, और वो मुझे रक्षा गुप्ता में दिखे। और इस फिल्म को करने से पहले मैं इस रक्षा गुप्ता से मैं मिला भी नहीं था, और एक ऐसा संजोग बना कि हमसे मुलाकात हुई, हमसे बात हुई, और मैंने उसके वीडियोस देखे, उसके काम को देखा, उसके लुक को देखा, और जो मुझे वो हाइट, पर्सनालिटी, फेस,
जो हम लोग मूर्ति में देखते हैं, एक मूर्त रूप में दुर्गा को देखते हैं, मैंने उसको देखा तो मुझे दुर्गा दिखी वो, और मैंने फाइनल किया, मैंने कहा नहीं मैं हमारे फिल्म की वो मेन जो कलाकार है वो अच्छा हो। इतना बड़ा किरदार और अक्षय गुप्ता जी जैसे कि अभी फिल्में कर रही हैं तो उनके ऊपर इतना बड़ा किरदार देना क्या चैलेंज रहा आपके, आपने क्या सोचा कि किरदार निभा पाएंगे क्योंकि महिला प्रधान फिल्म है? देखिए कला है, अब कला के ऊपर कभी ये परिपक्वता नहीं होती कि हाँ ये कर लेगा। हम लोग हर एक दिन जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट ही सफल होता है और असफल होता है, और जीवन में आदमी को रिस्क लेना चाहिए। माता रानी की कृपा से मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने देखा और मेरा पूर्ण विश्वास था कि ये कैरेक्टर रक्षा गुप्ता ही कर सकते, इसलिए मैंने रक्षा गुप्ता को छोड़ा और आज सबके सामने है, सब कोई देख रहा है, आप सब देखिएगा जब सामने आएगा कि रक्षा गुप्ता इस फिल्म में एक अलग ही, कोई रक्षा नहीं, मुझे लगता है कि रक्षा को लोग दुर्गा ही कहना शुरू कर दें जी। बिल्कुल, एक हर एक फिल्म अपने एक नए सब्जेक्ट पे होती है, एक नए किरदार पे होती है, और शोले का गद्दार आज तक याद रखा जाता है, तो हो सकता है कि वध की दुर्गा, वध का शिवा भी याद रखा जाए जी। बात करें बाकी कलाकार और कौन कौन इस फिल्म में नजर आएंगे? जी हाँ, इसमें कई ऐसे कलाकार हैं जो कि फिल्मी जगत से हैं और कई ऐसे हैं जो नवोदित हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जैसे कि इस फिल्म में गौरी शंकर हैं, आपको ग्लोरी है, गुलरी मेहता है, सुनो पांडे हैं, खुद मैं हूँ और भी कई लोग हैं इस फिल्म, विराज भट्ट हैं जो हीरो हैं, राजेश कुमार, संगीत जो है मधुकर आनंद जी का है, हमारे जो डीओपी हैं वो जहांगीर दादा हैं, और सारी एक अनुभवी टेक्निकल टीम को लेके और एक अच्छे बेहतरीन कलाकार का संगम ये वध है। फिल्म को लेके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म का क्या संदेश जाने वाला है? मैं फिल्म इसलिए दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ महिला प्रधान नहीं है, ये हमारे समाज में जो जिस तरह के भावनाएं हैं औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको कि ये माना जाता है कि हाँ ये पुरुष इनके आगे होता है, पुरुष के पीछे ही महिलाएं होती हैं, चाहे कुछ भी हम कोई भी तमगा हम दे देते हैं, लेकिन जब हम शास्त्र को उठा के देखते हैं, जब हम वेद को उठा के देखते हैं, जब हम पुराण को उठा के देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पुरुष जहाँ विफल हो गए वहीं वहाँ पे आके स्त्री उसको सफलता देती है। वो आप दुर्गा के रूप में देख सकते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन सबका संगम थी दुर्गा, दुर्गा शक्ति है, और शक्ति जो है वो एक महिला का परिचायक है, एक महिला का पर्यायवाची है, यही संदेश हमारी फिल्म का है कि एक महिला कभी भी अबला नहीं हो सकती, वो जननी है, वो प्रकृति है, वो एक पुरुष को जन्म देने वाली वो महिला है, जो पुरुष इस समाज में आता है या इस दुनिया में आता है तो वो महिला के कोख से आता है, महिला के दूध का काम करता है और उसको बल आता है, तो जो वो जो जन्म देने वाली है, जो बल देने वाली है, वही शक्ति है, उससे बड़ा कुछ नहीं, यही हमारे वध का उद्देश्य है, एक महिला के समस्त रूपों को मैं सामने रखता हूँ, और ख़ास तौर पे जो यूपी प्रशासन वो किस तरह से मुस्तैद है आज, किस तरह से काम कर रही है, उनके कहां कहां हाथ बंधे हुए हैं, और जब प्रशासन कोई चीज़ ठान लेता है तो कोई चीज़ फिर नामुमकिन नहीं होता है, वो इस फिल्म में मैं देखा रहता हूँ। इसके अलावा कौन कौन फिल्म आपके सामने लेके आने वाले हैं जी? और कौन कौन फिल्म आपकी आने वाली हैं? आगामी फिल्में मेरी हैं अभी जिया जाए ना, जो विमल पांडे को लेकर करने जा रहा हूँ, और एक दो और फिल्में हैं जिनका भी नाम शीर्षक अभी मैं भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, तो है अभी अगले साल का कोटा पूरा। एक फिल्म का आपका ठग राजा का ट्रेलर भी आया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हाँ हमारी पहली फिल्म थी फैगन राजा, जिसमें मैंने लेखक निर्देशक के तौर पर मैंने काम किया। और आप ये जान लीजिए कि फिल्म को अच्छी सफलता मिल रही है, लोग हमारे फिल्म के ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ठग राजा को इतना प्यार दिया, हमारी मेहनत को इतना सराहा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.